लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए बिजनौर पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में लगी है। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में पुलिस ने अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने इस फैक्ट्री से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। क्या पूरा मामला? जनपद बिजनौर थाना कीरतपुर पुलिस टीम ने कल एक अभियुक्त को पकड़ा है, जिसका नाम रफत पुत्र याकूब है। ये बुद्धूपाड़ा थाना कीरतपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पास से करीब 250 तमंचे बने अधबने बरामद हुए हैं और पूरी शस्त्र फैक्ट्री को संचालन करने की तमाम सामग्री इसके पास से बरामद हुई है। 3 तमंचे 315 बोर के हैं, 7 तमंचे 12 बोर के हैं, 92 तमंचे अधबने हैं और 147 तमंचों की नाल इसके पास से बरामद हुई है। इसको जेल भेजा जा रहा है वैधानिक कार्रवाई करते हुए। इसका एक साथी पम्मू और फरमान अभी फरार है, वो गांव भनेड़ा थाना कीरतपुर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस टीम के सराहनीय काम के लिए 2500 रुपये का पुरस्कार दिया गया। ये दोनों अभियुक्त मालन नदी के पुल के नीचे ये फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। पूछताछ में बताया है कि आगामी चुनाव के मद्देनज़र ही ये इस फैक्ट्री को शुरू किए थे और ये शस्त्र तैयार कर रहे थे, इनको अवैध बिक्री के लिए।